अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं लिपस्टिक के कुछ मज़े मज़े के हैक्स, जिसमें हम आज को आपको बताएंगे कि लिपस्टिक के शेड्स को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ लिप्स पे नहीं बल्कि इसके कैसे यूजेज़ हैं, हम इसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं उनके जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनकी फेवरेट होते हैं, तो उनको कैसे वो अप्लाई कर सकती हैं, किसी पार्टी वगैरह में जाती हैं तो उनके लिप्स भी डार्क हो चुके होते हैं। हम आपको आज इस वीडियो में ये बताएंगे एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, लास्ट तक देखें और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसी ही न्यू वीडियोस आने वाली आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल सकें। हम आज बढ़ते हैं आपकी अपनी वीडियो की तरफ। हम अप्लाई करके दिखा रहे हैं एक लिपस्टिक का शेड जो कि एक हैक है। ब्राउन लिपस्टिक हमने ली है। ये ब्राउन लिपस्टिक जो है वो सिर्फ लिप्स पर अप्लाई नहीं की जाती, जबकि इस ब्राउन लिपस्टिक के जैसे कि आप देख सकते हैं ये शेड, इस ब्राउन लिपस्टिक से हम अपना कॉन्टोर भी कर सकते हैं, नोज़ की कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं, और इससे अगर क्योंकि ब्राउन शेड जो होते हैं वो एक तरह के नहीं होते, डिफरेंट शेड्स होते हैं ब्राउन में भी, तो लाइट ब्राउन होता है, कुछ डार्क ब्राउन होते हैं, इससे हम आई शेडोज़ भी लगा सकते हैं अपने और अपने आईब्रोज़ को भी फिल कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी गाइस, ये लिपस्टिक देख रहे हैं कि ये क्रीमी लिपस्टिक है। क्रीमी लिपस्टिक का है क्या कि ये भी है कि हम क्रीमी लिपस्टिक जब अप्लाई करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि इसका मैट लुक हो, तो आप ये देख रहे हैं ये क्रीमी लिपस्टिक है, इस पर हम अगर लूज़ पाउडर लगाएंगे, ये क्योंकि लाइट शेड है दिखने में शायद इशू आए, तो अगर हम इस पर पाउडर अप्लाई करेंगे तो ये मैट लुक देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइट कलर है, क्रीमी कलर है लिपस्टिक का, इस पर हम पाउडर अप्लाई करेंगे तो ये मैट लुक देगी। क्रीमी लिपस्टिक पे पाउडर अप्लाई करेंगे तो ये मैट लुक देगी। हम सेकंड क्रीमी लिपस्टिक दिखा रहे हैं। ये अप्लाई करने के बाद हम इस पर टिश्यू से इसको ड्राई करके और टिश्यू के ऊपर हम पाउडर कोई भी अप्लाई करेंगे तो ये लुक जो है इसका मैट लुक आ जाएगा। ये हमने पहले आपको लाइट शेड में दिखाया था, ये हम डार्क शेड में दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप इसका मैट लुक आ गया है जैसे कि पहले लिपस्टिक का था। अगर आपके पास कोई डार्क लिपस्टिक है तो उसे आप एज ए आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। मैट लिपस्टिक को हम एज ए आईलाइनर और डार्क लिपस्टिक को जैसे पर्पल और कुछ अलग शेड जो होते हैं, डार्क शेड जो होते हैं, उसे आईज पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। जिन लड़कियों के डार्क सर्कल्स होते हैं तो उनको इशू होता है मेकअप के दौरान कि अगर उनके पास कंसीलर भी अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी ऑरेंज शेड या पीचे जो शेड होता है लिपस्टिक का, उससे आप अपने डार्क सर्कल्स को जो है वो कंसील कर सकती हैं। अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर ये लिपस्टिक का शेड लगाएं ऑरेंज या पीचिश टोन में, उसके बाद उसको आप टैप टैप करें, ज़्यादा हैवी उससे नहीं करना है, इसको लाइट लाइट सा ब्लेंड करना है, और उसके बाद अपना कोई भी फाउंडेशन लगाएं, आपके डार्क सर्कल्स जो हैं वो छुप जाएंगे, नहीं दिखेंगे। ये भी एक हैक है। अगर गर्ल्स चाहती हैं कि उनके लिप्स जो हैं वो थोड़े फूले फूले से लगें, जिन जो इनका लिप्स हैं उससे ज़्यादा लगें, तो आप देख सकते हैं ये लिप लाइनर है, वो हम अपनी लिप्स के आउटर कॉर्नर्स पे लगाएं और उसके बाद हम कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करें उसके कॉर्नर्स पे भी हम लगाएं और उसके बीच में अगर आप थोड़ी सी लाइन दे दें और कोई भी इसमें लाइटर शेड लेके, इसमें हम लाइटर शेड की अगर लिपस्टिक लगाएंगे तो आउटर कॉर्नर जो इसके हैं लिपस्टिक के, अपर लिप जो है इसका अपर आपने लिपस्टिक वो लगानी है लिप पेंसिल, और लोअर लिप जो है हमारा उस पर हमने थोड़ा नीचे करके लिप पेंसिल लगानी है, और इसके कॉर्नर्स पे भी लिप लाइनर का शेड थोड़ा डालें ताकि आपके लिप जो है वो फ्लफर लगें, जैसे कि आप देख रहे हैं लिप्स, ये देख रहे हैं आपके जो लिप्स अगर जिसके पतले हैं तो वो ऐसे लिपस्टिक जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। जिन लड़कियों को प्रॉब्लम होती है कि उनके लिप्स जो हैं वो डार्क हो गए हैं क्योंकि रेगुलर लिपस्टिक अप्लाई की जाती है तो उनके लिप्स जो हैं वो डार्क हो चुके होते हैं, तो वो अपने लिपस्टिक पे पहले कोई भी फाउंडेशन अपना अप्लाई करें, देन उसके बाद वो लिपस्टिक अप्लाई करेंगी तो उनके लिपस्टिक का जो एक्चुअल कलर है वो भी काफ़ी अच्छा आएगा और उनके लिप्स जो हैं वो डार्क होने से बच जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम अप्लाई करके दिखा रहे हैं आपको, एक मैट लिपस्टिक है जिससे फाउंडेशन के बाद अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये मैट लुक देगी और इसका जो एक्चुअल कलर है वो भी अच्छा आएगा और आपके लिप्स जो हैं वो
ब्लैक होने से बच जाएंगे। इसका एक्चुअल कलर आप देख सकते हैं लिपस्टिक का, इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर ये कलर आ रहा है। और अगर आप, एक और टिप ये भी है कि अगर आप मैट लिपस्टिक लगा रहे हैं तो अपने दोनों लिप्स को आपस में टच ना करें, उससे जो है अगर आप ना टच करेंगे तो आपकी लिपस्टिक जो है वो मैट लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, काफ़ी देर तक चलेगी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।